हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित भी होंगे, साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी घर जाके अपने किताब से सवालों को तो बनाते हैं ना, वो बनाना मत छोड़िएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से ही आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती है। आपको अपने किताब से भी उसको पढ़ना जरूरी है और सवालों को भी बनाना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 11 से करते हुए गणित में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे और बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स पार्ट को पढ़ेंगे। बच्चों, कक्षा 11 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में मैट्रिसेस पार्ट की शुरुआत करेंगे आज, यानी आव्यूह पार्ट को पढ़ेंगे। और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बार फिर याद दिला दूं, एपिसोड देख लेने के बाद आपको अपने किताब से सभी पाठ को पढ़ना है और गणित के ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, पिछले दो अध्याय में हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, उनके मापांक, संयुग्मी तथा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। आइए बच्चों, इस पाठ में हम आगे बढ़ते हैं और आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण यानी आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ सम्मिश्र संख्या के कोणांक यानी द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अध्याय। देखते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण तथा कोणांक। सबसे पहले आप इस आलेख में देख सकते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष है। एक्स अक्ष को अगर मैं प्रारंभिक रेखा मानकर एक रेखा आर की तरफ जाऊं, आर का मान यहाँ पर जेड के मापांक के बराबर है, तो यह जो है वह एक थीटा कोण का निर्माण करती है। यदि P वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म r थीटा से अद्वितीय रूप से निर्धारित किया जाता है तो r थीटा जो है वह बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक कहलाते हैं। हम मूल बिंदु को ध्रुव तथा x अक्ष की धन दिशा को प्रारंभिक रेखा मानते हैं। यहाँ x का मान r cos थीटा तथा y का मान जो है वह r sin थीटा है, इसीलिए Z का मान जो होता है वह होता है R cos थीटा प्लस I sin थीटा। R जो है वो बच्चों X में भी है और Y में भी है, दोनों में होने के कारण उभयनिष्ठ हो जाता है और बाहर आ जाता है। यह जो है वह सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो हमने कोणांक के लिए देखा R का मान जो है वह है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो Z के मापांक के बराबर है, तथा थीटा जो है वह सम्मिश्र संख्या का कोणांक या आयाम कहलाता है और कोणांक को हम z से निरूपित करते हैं। तो चलिए बच्चों इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। z का मान है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। हमने माना 1 जो है वो r cos थीटा है और अंडर रूट 3 जो है वो r sin थीटा है। दोनों ओर जब हमने वर्ग कर जोड़ दिया तो हमें प्राप्त हुआ आर स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ गुणा होने पर मान 4 देता है। बच्चों इसको समझ लो, ये हुआ कैसे। ये जो दोनों समीकरण दिए हैं इनका वर्ग किया गया, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हुआ होगा तथा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ होगा। आर स्क्वायर दोनों में ही उभयनिष्ठ है इसलिए बाहर रख लिया गया और बीच में योग लिया गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। एक का वर्ग करने पर, एक का स्क्वायर करने पर आपको एक ही प्राप्त होगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3, तो 1 प्लस 3 जो है वो 4 हो जाता है।
इसी के साथ बच्चों आप सभी जानते हैं कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो होता है वह एक होता है। त्रिकोणमिति का परिचय एक पाठ है उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें आर स्क्वायर बराबर 4 यानी r बराबर अंडर रूट 4 के, जिसका मान जो है वह 2 हो जाता है। प्रतिदर्श रूप से r का जो मान है 2 वह 0 से बड़ा है, इसलिए cos थीटा का मान हुआ 1/2 और sin थीटा का मान हुआ अंडर रूट 3/2। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? r का मान 2 आप ऊपर दिए हुए पहले समीकरण में डालिए। यदि 1/2 cos थीटा होता है तो cos थीटा बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार अंडर रूट 3/2 sin थीटा है तो sin थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। बच्चों आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आपने देखा था cos 60 जो होता है वो होता है 1/2 और sin 60 जो होता है वो होता है अंडर रूट 3/2। इससे हमें प्राप्त होता है थीटा का मान जो है वह 60 डिग्री है यानी π/3। इसलिए जो अपेक्षित ध्रुवीय रूप है वो होता है z=2cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। यदि आप इसको एक आलेख में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं x की धन दिशा को अगर आप प्रारंभिक रेखा मानते हैं तो वह r यानी 2 के साथ जो है π/3 यानी 60 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। इसी के साथ बच्चों बड़े चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। z=-16 का भाग दिया जा रहा है 1+√3 आयोटा से। इसको हमें लिखना है उसके ध्रुवीय रूप में। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखा हमें सम्मिश्र संख्या दे रखी है -16 भाग दिया जा रहा है 1+√3 आयोटा से। हम सभी जानते हैं बच्चों नीचे हमें आयोटा का चिन्ह नहीं रखना होता, तो हम अंश तथा हर दोनों को ही गुना कर देंगे 1-√3 आयोटा से। ऐसा करने पर हमें प्राप्त हुआ -16 के साथ गुना हो रहा है 1-√3 आयोटा का, नीचे है 1-√3 आयोटा का होल स्क्वायर। ऐसा कैसे हुआ बच्चों? आप देख सकते हैं यदि 1 को आप a माने और अंडर रूट 3 आयोटा को आप b माने तो आपने देखा a+b गुना हो रहा है a-b से, जिसका मान होता है a²-b² यानी 1 का स्क्वायर जो होता है वह 1 होता है और माइनस बी यानी अंडर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। बच्चों आप सभी जानते हैं आयोटा का जो होल स्क्वायर है वो होता है -1, वो -1 से माइनस मल्टीप्लाई होके गुना होके प्लस बन जाएगा और अंडर रूट 3 का जो आप स्क्वायर लेंगे तो वह 3 हो जाएगा, तो 3+1 = 4। जैसा कि आप यहाँ आगे देखेंगे 1+3 जैसा कि समझाया मैंने आपको 4 हो जाएगा और 4 जब ऊपर डिवाइड करेगा -16 को यानी जब 4 भाग देगा -16 को तो आपको प्राप्त होता है -4 × यानी गुना में ब्रैकेट में है 1-√3 आयोटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4+4√3 आयोटा। तो -4 यहाँ पर r cos थीटा है और 4√3 जो है वह r sin थीटा है। दोनों और वर्ग करके जोड़ा तो हमें प्राप्त होता है 4² = 16 और 4√3 का स्क्वायर यानी 4² = 16 × 3 = 48। अब यहाँ पर हमने जोड़ा दूसरी और देखें तो r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। r² उभयनिष्ठ होने के कारण बाहर हो जाएगा और आप सभी जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा जो है वो 1 होता है, तो 64 बराबर होता है r² के और r का मान हमें 8 प्राप्त होता है। आगे हल करके देखा तो हमें प्राप्त हुआ cos थीटा का मान है -1/2 और sin थीटा का मान है √3/2। इससे हमें प्राप्त हुआ थीटा का जो मान होता है वो π/3 जो है वो हट जाएगा π-π/3, जिसका हमें अगर आगे हल करने को मिले तो हमको प्राप्त होता है 2π/3। इसको जब हमने आगे हल किया तो देखा आवश्यक ध्रुवीय रूप हमें प्राप्त हुआ 8cos2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़े और हमने देखा एक उदाहरण। उदाहरण में सम्मिश्र संख्या दी गई है z=1+iota भाग दिया जा रहा है 1-iota से। इसका हमें कोणांक ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों हल की ओर आगे बढ़ते हैं। दी हुई सम्मिश्र संख्या 1+iota भाग दिया जा रहा है 1-iota से। सबसे पहले हमें नीचे से आयोटा के चिन्ह को हटाना है, इसलिए हम अंश
तथा हर दोनों से ही गुना कर देंगे 1 प्लस आयोटा को। गुना करने पर हमने नीचे देखा बच्चों, ध्यान से देखिए, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा यानी a माइनस b a प्लस b। इसका जब हम वर्ग ले लेंगे, गुना करने पर जो वर्ग आएगा वो आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है तो वो हो जाएगा 1 प्लस 1। और ऊपर का यदि आप गुना करें तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। आगे हल किया तो हमने देखा ऊपर 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2 आयोटा। 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 आयोटा बटे 2 जो डिवाइड होके यानी भाग देने पर हमें प्राप्त होता है आयोटा। तो दी हुई सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा में अगर देखूं, 0 बराबर रखती हूँ r cos थीटा के और 1 बराबर रखती हूँ r sin थीटा के। दोनों ओर वर्ग करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 0 प्लस 1 बराबर है r square cos square थीटा प्लस r square sin square थीटा। क्योंकि r square दोनों में ही उभयनिष्ठ है तो हम इसको बाहर रख सकते हैं और हमें पता है कि cos square थीटा प्लस sin square थीटा जो है वह 1 होता है, यानी r square का मान होता है 1, r का मान होता है 1। इसी के साथ r का मान 1 जब आप ऊपर दिए हुए समीकरणों में डालेंगे तो आपको मिला cos थीटा का मान 0 तथा sin थीटा का मान 1। बच्चों आपने पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा जो है वो 0 दे रखा है। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, यानी थीटा का जो मान है वो वहां पे 90 डिग्री आ रहा है यानी पाई बाय 2। तो जो हमारा कोणांक है वह होता है पाई बाय 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला उदाहरण हमने देखा। अगली सम्मिश्र संख्या दी है z इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस आयोटा, इसका हमें कोणांक ज्ञात करना है। हल देखा, सबसे पहले लिख लेते हैं दी हुई सम्मिश्र संख्या कौन सी है, 1 बटे 1 प्लस आयोटा। अब आयोटा के चिन्ह को हटाना है तो गुना करेंगे 1 माइनस आयोटा से, दोनों ही तरफ अंश तथा हर दोनों ओर। करने पर हमें ऊपर प्राप्त होता है 1 माइनस आयोटा, जैसे पिछले उदाहरण में देखा था नीचे प्राप्त हो गया 1 प्लस 1। इसको करने पर हमें प्राप्त हुआ 1 बाय 2 माइनस आयोटा बाय 2। तो 1 बाय 2 अगर मैं r cos थीटा रखूं और -1/2 में अगर r sin थीटा रखूं, फिर दोनों ओर वर्ग कर जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 1/4 जमा 1/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 इक्वल होता है r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के। हम सभी जानते हैं बच्चों cos square theta plus sin square theta का मान 1 होता है, तो r square जो होगा वो बराबर होगा 1/2 को। इसका बराबर करने के बाद हमने देखा r का मान होता है 1/√2 के, यानी cos theta बराबर 1/√2 और sin theta बराबर -1/√2। इसको जब हमने हल किया तो हमें प्राप्त हुआ थीटा का मान आता है -π/4, यानी जो हमारा कोणांक है वह होता है -π/4। इसी के साथ बच्चों हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आज हमने पढ़ा अर्गण तथा ध्रुवीय निरूपण के बारे में, साथ ही साथ हमने पढ़ा था सम्मिश्र संख्याओं के कोणांक के बारे में। तो चलिए बच्चों घर जाइए, पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नावली में जो भी आपके प्रश्न है उन्हें हल कीजिए। किसी भी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम जैव अणु के आखिरी अध्याय पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम का वर्गीकरण और सहकारक। एंजाइम क्या होते हैं? लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं
कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोसाइम्स कहते हैं। किसी भी प्रकार के एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा चित्रित कर सकते हैं। एक एंजाइम में भी प्रोटीन की तरह प्राथमिक संरचना मिलती है जो एमिनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह एंजाइम भी द्वितीयक व तृतीयक संरचना में मिलती है। जब आप तृतीयक संरचना को देखेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रोटीन श्रृंखला का प्रमुख भाग अपने ऊपर स्वयं कुंडलित होता है और श्रृंखला स्वयं आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे बहुत सी दरार या थैलियां बन जाती है। इस प्रकार की थैली को सक्रिय स्थल कहते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थल वे दरार या थैली है जिनमें क्रियाधार आकार व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एंजाइम्स में क्या होती है? इससे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अन्य भौतिक प्रक्रिया में द्रव की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या फिर पानी का वाष्प में बदलना। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना व नए बंधों का निर्माण होना रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। यह सर्वमान्य नियम है कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर क्रमशः द्विगुणित या आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया जो आप देख सकते हैं, CO2 प्लस जल मिलता है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। एक घंटे में कार्बोनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है, लेकिन उपरोक्त अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसकी कार्बनिक अम्ल के 600,000 अणु प्रति सेकंड बनते हैं। एंजाइम की इस क्रिया की दर को 1,000,000 गुना बढ़ा दिया। एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाले अभिक्रिया से बहुत अधिक होती है। क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट, जिसे हम S से डिनोट करते हैं, एंजाइम की सक्रिय स्थल जो दरार या पुटिका के रूप में होता है उससे जुड़ा होता है। क्रियाधार सक्रिय स्थल की ओर जाते हैं। इस प्रकार आवश्यक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र ES का अविकल्पीय निर्माण होता है। E यानी एंजाइम को प्रदर्शित करता है। इस समूह का निर्माण एक अल्पकालिक घटना है। क्रियाधार एंजाइम को सक्रिय स्थल से जुड़ने की अवस्था में क्रियाधार की नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था संरचना कहते हैं। इसके बाद शीघ्र ही प्रत्याशित बंध टूटने या बनने के उपरांत सक्रिय स्थल से उत्पाद अवमुक्त होता है। दूसरे शब्दों में क्रियाधार की संरचना उत्पाद में संरचना में रूपांतरित होती है। रूपांतरण का यह पथ तथा कथित संक्रमण अवस्था के द्वारा होता है। स्थायी क्रियाधार व उत्पाद के बीच बहुत सारी रूपांतरित संरचनात्मक अवस्था हो सकती है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि y अक्ष अंतर्निहित ऊर्जा अंश को व्यक्त करता है, x अक्ष संरचनात्मक रूपांतरण या वह अवस्था जिसका निर्माण मध्यवर्ती संरचना संक्रमण अवस्था द्वारा होती है की प्रगति को व्यक्त करता है। दो चीजों का ध्यान रखना है हमें, क्रियाधार व उत्पाद यानी S व P के एंजाइम रहित बीच ऊर्जा स्तर में अंतर। यदि उत्पाद क्रियाधार के नीचे संक्रियण ऊर्जा स्तर का है
तो अभिक्रिया बाह्य ऊष्मीय होती है। इस अवस्था में उत्पाद निर्माण हेतु ऊर्जा आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी चाहे यह सक्रियण ऊर्जा बाह्य ऊष्मीय या स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया या अंतः ऊष्मीय या ऊर्जा आवश्यक अभिक्रिया हो, क्रियाधार को उच्च क्रियाधार ऊर्जा अवस्था या संक्रमण अवस्था से गुजरना होता है। क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम क्रिया की प्रकृति। सर्वप्रथम क्रियाधार सक्रिय स्थल में व्यवस्थित होकर एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंध जाता है। बंधने वाला क्रियाधार एंजाइम के आकार में इस प्रकार से बदलाव लाता है कि क्रियाधार एंजाइम से मजबूती से बंध जाता है। एंजाइम का सक्रिय स्थल जब क्रियाधार में काफी समीप होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाता है और नए एंजाइम उत्पाद जटिल का निर्माण होता है। एंजाइम नव निर्मित उत्पाद को अवमुक्त करता है व एंजाइम स्वतंत्र होकर क्रियाधार से दूसरे अणु से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पुनः उत्प्रेरक चक्र प्रारंभ हो जाता है। एंजाइम क्रियाधार को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है तापमान व पीएच। एंजाइम सामान्यतः तापमान व पीएच के लघु परिसर में कार्य करते हैं। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम व पीएच पर ही होती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान व पीएच कहते हैं। इस इष्टतम मान के ऊपर या नीचे होने से क्रियाशीलता घट जाती है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, क्योंकि उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है। दूसरा है क्रियाधार की सांद्रता। क्रियाधार की सांद्रता के बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम क्रिया की गति यानी वी वेलोसिटी बढ़ती है। अभिक्रिया अंततोगत्व सर्वोच्च गति वी मैक्स प्राप्त करने के बाद क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने पर अग्रसर नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं से कहीं कम होती है और इन अणुओं से एंजाइम के संतृप्त होने के बाद एंजाइम का कोई भी अणु क्रियाधार के अतिरिक्त अणुओं से बंधन करने के लिए मुक्त नहीं बचता। किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होता है, जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संदमन यानी इनहिबिशन व उस रसायन को संदमक यानी इनहिबिटर कहते हैं। जब संदमक आणविक संरचना में क्रियाधार से काफी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो उसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से समानता नहीं रखता और एंजाइम की क्रियाशीलता को फिर भी संदमित करता है, तो इसे गैर प्रतिस्पर्धात्मक संदमन यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम का वर्गीकरण। पहला है ऑक्सीडोरिडक्टेज डीहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम, जो दो क्रियाधारकों S व S डैश के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करता है, जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं। और ट्रांसफरेजेस एंजाइम क्रियाधारकों को एक जोड़े S व S डैश के बीच एक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है, जैसे S और G के समूह जमा S डैश का रासायनिक अभिक्रिया होकर S जमा S डैश G बनता है। हाइड्रोलिसिस एंजाइम एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक
कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधों का जल अपघटन करता है। लाइजेस, जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों के समूहों के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंधों का निर्माण होता है। आइसोमरेजेस, वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय व स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेजेस, एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। सहकारक क्या होते हैं? एंजाइम या अनेक बहुपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, फिर भी कुछ स्थितियों में इतर प्रोटीन अवयव, जिसे सहकारक कहते हैं, एंजाइम से बंधकर उसे उत्प्रेरक सक्रिय बनाता है। इन उदाहरणों में एंजाइम में केवल प्रोटीन भाग को एपोएंजाइम कहते हैं। सहकारक तीन प्रकार के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और धातु आयन। इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। प्रोस्थेटिक समूह कार्बनिक यौगिक होते हैं और यह अन्य सहकारक उसे इस रूप से भिन्न होते हैं कि ये एपोएंजाइम से दृढ़ता से बंधे होते हैं। उदाहरण स्वरूप एंजाइम परऑक्साइडेज व कैटेलेज को, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन व पानी में विखंडित करते हैं। हीम प्रोस्थेटिक समूह होता है जो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है। सह एंजाइम, ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका संबंध एपो एंजाइम से अस्थायी होता है, जो सामान्यतः उत्प्रेरण के दौरान बनता है। सह एंजाइम विभिन्न एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सहकारक के स्वरूप में कार्य करता है। उनके सह एंजाइम का मुख्य रासायनिक अवयव विटामिन्स होते हैं। धातु आयन, कई एंजाइम की क्रियाशीलता हेतु धातु आयन की आवश्यकता होती है, जो सक्रिय स्थल पर पार्श्व श्रृंखला से समन्वयन बंध बनाते हैं और उसी समय एक या एक से अधिक समन्वयन बंध द्वारा क्रियाधारकों से जुड़े होते हैं, जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से जिंक के सहकारक से जुड़ा होता है। एंजाइम से यदि यह सहकारक को अलग कर दिया जाए तो इनकी उत्प्रेरक क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। इसे स्पष्ट है कि एंजाइम की उत्प्रेरक क्रियाशीलता हेतु ये निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा एंजाइम, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम का वर्गीकरण और सहकारक, और इस तरह हमने जैव अणु का अध्याय समाप्त किया। धन्यवाद। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 9111239780 पर संपर्क करें।
नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय आव्यूह का तीसरा भाग देखने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था आव्यूहों पर संक्रियाएं। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, आव्यूहों का गुणन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। और उसे सीखने से पहले हमारा सबसे पहला कार्य होगा कि उनके चरण को जानना, कि किस प्रकार से हम उन्हें ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आव्यूहों का गुणन का चरण क्या क्या है। तो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि यदि आपके पास दो आव्यूह दिए गए हैं, ए तथा बी, और उनके गुणन के लिए आपका सबसे पहला कार्य होगा कि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये आप सबसे पहले दोनों आव्यूहों से ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप उस आव्यूह को गुणा नहीं कर सकते, और यदि वो बराबर हैं तो फिर हम अगले चरण की ओर पढ़ेंगे। हमारा दूसरा चरण है इसके अतिरिक्त गुणनफल आव्यूह अर्थात प्रोडक्ट मैट्रिक्स के अवयवों को प्राप्त करने के लिए हम ए की पंक्तियों तथा बी के स्तंभों को लेकर अवयवों के क्रमानुसार गुणन करते हैं। यानी कि जब हम ये देख लेंगे कि दिए गए आव्यूह के स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या बराबर है या नहीं, उसके बाद हमारा अगला चरण होगा कि हमारा जो आव्यूह ए की पंक्तियां होंगी तथा बी के स्तंभ को गुणा करके हम अवयवों को एक एक करके ज्ञात करेंगे। और हमारा तीसरा चरण होगा कि इसी प्रकार से हम फिर गुणनफलों का योग ज्ञात करेंगे। तो ये तीन चरण है जिसके माध्यम से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक उदाहरण से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण में दो आव्यूह लिए हैं वो है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस आव्यूह के जो अवयव हैं वो है 2, 5, 8, 10 तथा 4, 40। आइए देखते हैं कि हम इन्हें गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था, सबसे पहला जो गुणा करने का चरण होगा वो होगा ये देखना कि क्या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्या बराबर है, क्योंकि हमारा जो पहला आव्यूह है उसमें हमारे स्तंभों की संख्या है 2 और दूसरे आव्यूह में हमारे जो पंक्तियों की संख्या है वो है 2। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि हम इन आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं, और इन्हें गुणा करने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा उस आव्यूह की कोटि होगी 2×1। आइए अब हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इसे गुणा करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पहले आव्यूह का जो अवयव होगा उसे हम गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले अवयव से, और फिर उसे जोड़ेंगे हमारे पहले आव्यूह के दूसरे अवयव से, और फिर उसे गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे अवयव से, जिससे कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2×4 = 5×40। इसी प्रकार से हम इसी चरण को दोबारा करेंगे हमारे दूसरे पंक्ति के लिए, जिसमें कि हम 8 को गुणा करेंगे 4 से, फिर योग करेंगे 10×40 से, जिससे कि यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा 8×4 = 10×40। जिसे आप पुनः हल करेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2×4 = 5×40 तथा 8×4 = 10×40 = 208 तथा 432, जो कि हमारे प्राप्त किए गए आव्यूह का अवयव होगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने जो दूसरा उदाहरण लिया है उसमें हमारा पहला आव्यूह है जिसके की अवयव है 1, 2, 0, 3, 4, और जो दूसरा आव्यूह है उसके अवयव है 2, 7, 1, 1, 5, 4।
आइए अब हम इसे गुणा करना सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था, गुणा करने का सबसे पहला चरण होगा वो ये होगा, ये देखना कि क्या हमारे पहले आव्यूह में जो स्तंभों की संख्या है वो हमारे दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों ही संख्याएं बराबर हैं, जिससे कि हमें ये पता लग रहा है कि हम इस आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं तथा हमारा जो आव्यूह का गुणन हमें प्राप्त होगा वो आव्यूह हमारा उस कोटि का होगा जो कि है 3×2। आइए अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम इसे अब गुणा करेंगे। तो दोस्तों, इसे गुणा करने के लिए हम सबसे पहले हमारे पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 1×2 योग घटा 1×1 योग 2×5। अब हम यही चरण दोहराएंगे हमारे दूसरे स्तंभ के लिए। तो यहाँ पर अब हम हमारे पहले आव्यूह के पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा आव्यूह प्राप्त होगा जिसके कि अव्यव होंगे 13 तथा 1×7 योग घटा 1×1 योग 2×4। इसके बाद हम अब दिए गए आव्यूह के पहले आव्यूह के पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से, जिससे कि हमें हमारा आव्यूह प्राप्त होगा जिसके कि अव्यव होंगे 13 घटा 2 0×2 योग 3×1 योग 4×5। इसके बाद इसी चरण को हम दोहराएंगे जिससे कि हमें हमारे आव्यूह का चौथा अव्यव प्राप्त हो जाए। अब हम हमारे पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, जिससे कि हमारा चौथा अव्यव भी प्राप्त हो जाएगा जो कि आएगा आव्यूह जिसके कि अव्यव होंगे 13×2 17 0×7 योग 3×1 योग 4×4। जिसे जब आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों आव्यूह का गुणन प्राप्त होगा, आव्यूह जिसका कि अव्यव होगा 13×2 17×13। तो देखा आपने दोस्तों कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम आव्यूहों को गुणा करते हैं। जो तीसरा उदाहरण हमने लिया है, इसमें हम जो दो आव्यूहों को गुणा करने वाले हैं, इन दोनों की जो कोटि होगी वो होगी 3×3 की, जिससे कि साफ आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर जो आपके पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या है वो बराबर है आपके दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, तो जिससे कि आप इसका गुणन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पिछले उदाहरण में की गई प्रक्रिया को दोहराते हैं और एक एक करके ज्ञात करते हैं आव्यूहों का गुणन। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले हमारे पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा 2×1 योग 3×0 योग 4×3। ये होगा हमारे प्राप्त आव्यूह का पहला अवयव। इसी प्रकार से इसी चरण को जब हम दोहराएंगे तो हमें हमारा दूसरा अवयव प्राप्त होगा जब हम पहले आव्यूह के पहली पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा अब 14 हमारा पहला अवयव, 2×3 योग 3×2 योग 4×0 हमारा दूसरा अवयव। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे हम हमारे दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के लिए, तो हमें यहाँ पर हमारा तीसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा 2×5 योग 3×4 योग 4×5। इसी प्रकार से अब हम हमारे पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से। जब हम इसे गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा जो चौथा अवयव होगा वो प्राप्त होगा 3×1 योग 4×0 योग 5×3। जब हम हमारे पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा पांचवा अवयव 3×3 योग 4×2 योग 5×0। इसी प्रकार से जब हम पहले आव्यूह के दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हमारे दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ से, तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा
हमारा छठा अवयव 3×5 योग 4×4 योग 5×5। इसी प्रकार से आप आगे भी इन्हीं चरण को दोहराएंगे, जिसमें कि आप पहले अवयव के तीसरे पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से, तो आपको आपका सातवां अर्थात A31 अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि होगा 4×1 योग 5×0 योग 6×3। इसी प्रकार से जब आप तीसरे पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, तो आपको अवयव 3×2 प्राप्त होगा, 4×3 योग 5×2 योग 6×0। और इसी प्रक्रिया को जब आप आगे बढ़ाएंगे अपने तीसरे स्तंभ के लिए, तो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा आपका अवयव A33 = 4×5 योग 5×4 योग 6×5। जिन सबको आप हल करेंगे तो आपको इन दोनों अवयवों का गुणन प्राप्त होगा, 14 0 42 18 1 56 22 2 70। ये होगा आपके दोनों अवयवों का गुणन जो कि आपने प्राप्त किया है उसके अवयव। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से हम अवयवों को गुणा करते हैं। तो दोस्तों, इस पर आधारित आपको बहुत से प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के गुणन के गुणधर्म। यानी कि अब हम सीखेंगे अर्थात जानेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहला है हमारा साहचर्य नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी तीन अवयवों ए बी तथा सी के लिए ए बी को जब आप गुणा करेंगे सी से, तो आपको वो बराबर प्राप्त होगा ए गुणा बी सी के, जब कभी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा दूसरा नियम है वितरण नियम, जो कि कहता है किन्हीं भी तीन अवयवों ए बी तथा सी के लिए ए गुणा बी योग सी बराबर होगा ए बी योग ए सी के, तथा ए योग बी गुणे सी बराबर होगा ए सी योग बी सी के, जब भी समीकरण के दोनों पक्ष परिभाषित होते हैं। हमारा तीसरा गुणधर्म है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि आई ए बराबर होता है ए आई के, जो कि बराबर होगा ए के। तो दोस्तों, ये थे कुछ तीन गुणधर्म अवयवों के गुणन के लिए, जिसे आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे अवयवों के। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा, ताकि आपको अवयव अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा अवयवों का गुणन। हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे अवयवों का परिवर्त। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जनन स्वास्थ्य का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जन नियंत्रण के तरीके और सगर्भता का चिकित्सीय समापन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम यौन संचारित संक्रमण और बंध्यता को समझेंगे। तो चलिए यौन संचारित संक्रमण से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये होते क्या हैं। रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रतिज रोग यानी कि VD अथवा जनन मार्ग संक्रमण यानी कि RTI कहा जाता है।
अब दोस्तों यौन संचारित संक्रमण यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी में बदल जाते हैं। तो यहां पर हम कुछ रोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहला रोग है हेपेटाइटिस बी, जिसे हम यकृत शोथ बी भी कहते हैं। ये हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है और ये विषाणु यकृत पर आक्रमण करता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अगला रोग है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये बीमारी HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होती है। अगर आप साथ वाला चित्र देखें तो इसमें हरे रंग से HIV विषाणु को दिखाया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर हो जाती है। आइए दोस्तों अगली बीमारी की तरफ चलते हैं, जो कि है क्लैमाइडिया। ये रोग एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्राकोमेटिस। इस बीमारी के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें से एक अहम लक्षण यह है कि मूत्र त्याग करते समय दर्द होता है। अगली बीमारी है सिफिलिस। इस बीमारी में शरीर पर रैशेस हो जाते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, और ये बीमारी भी एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलेडियम। अब दोस्तों इनमें से कुछ एसटीडी जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस भी उपचार योग्य नहीं है, तो सबसे सही यही होगा कि इनकी हम रोकथाम को जान लें, ताकि इन बीमारियों को होने से पहले ही हम उन्हें रोक सकें। तो इनके रोकथाम को हम समझेंगे यहाँ पर। एसटीडी के आसान रोकथाम है, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, मैथुन के समय सदैव कॉन्डम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी को समझते हैं। नियमित असुरक्षित यौन संबंध के 1-2 साल बाद भी गर्भ धारण करने में विफलता इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो आपको इसकी परिभाषा जरूर याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ दंपति जो कि संतान पैदा नहीं कर सकते, उनकी हम मदद कर सकते हैं इन सहायक जनन प्रौद्योगिकियों से, जिसे हम ARTI भी कहते हैं, जिससे कि वे संतान पैदा कर सकें। अब इनको समझते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां मुख्य रूप से बंध्यता को दूर करने के लिए उपयोग की जाने वाली चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं। इसमें कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे कि IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT, फेलोपी नलिका में स्थानांतरण यानी कि GIFT, कृत्रिम वीर्य सेचन और अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण यानी कि ICSI। अब हम इन प्रक्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। अब दोस्तों इस तकनीक में प्रयोगशाला के अंदर एक स्वस्थ शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है, फिर कुछ प्रक्रियाओं के बाद उसको गर्भाशय में उसका अंतरोपण किया जाता है। तो IVF में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चरण होते हैं। तो जो सबसे पहला चरण है वो है फॉलिकल एस्पिरेशन। अब इस चरण में अंडाशय से अंडाणु को लिया जाता है और ये काम अल्ट्रासाउंड प्रोब की मदद से किया जाता है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। अंडाणु को लेने के बाद उसका निषेचन कराया जाता है, जो कि प्रयोगशाला में होता है एक डिश के अंदर, जिसमें कि शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है और निषेचन हो जाता है कुछ इस प्रकार से। और कुछ समय बाद जो भ्रूण होता है उसको हम गर्भाशय के अंदर वापस स्थानांतरित कर देते हैं, जिसको हम भ्रूण स्थानांतरण कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगली प्रक्रिया अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण को समझते हैं। अब इसमें भी वही मोटिव होता है कि हमको निषेचन करवाना होता है किसी हेल्दी शुक्राणु और एक अंडाणु के बीच में, और ये सारे डिश में होता है। पर यहाँ पर एक सुई की मदद से ये किया जाता है, जिसमें कि एक अकेले शुक्राणु को अंडाणु के अंदर छोड़ दिया जाता है निषेचन करने के लिए।
और ये प्रक्रिया तब सबसे ज्यादा काम आती है, या तब सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है जब शुक्राणुओं की क्वांटिटी और क्वालिटी कम होती है। आइए दोस्तों अब अगली प्रक्रिया की ओर चलते हैं जो कि है फेलोपी नलिका में स्थानांतरण। अब इसको समझते हैं। एक अन्य महिला के फेलोपियन ट्यूब में एक दाता से एकत्रित अंडाणु का स्थानांतरण जो कि उत्पादन नहीं कर सकती है लेकिन निषेचन और आगे के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। अगली प्रक्रिया है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इन विट्रो निषेचन के बाद युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है जिसे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के रूप में जाना जाता है। भ्रूण जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो उसे परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए अब अगली प्रक्रिया की ओर चलते हैं जो कि है कृत्रिम वीर्य सेचन। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन यानी कि IUI कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय जनन स्वास्थ्य खत्म होता है। इस वीडियो में हमने यौन संचारित संक्रमणों के बारे में पढ़ा और हमने साथ ही में यौन संचारित रोगों को भी समझा, और दोस्तों हमने ART को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब के ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम जानेंगे कि इस अध्याय से इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो BPC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।